बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। सर अंत्यकत्ल हुआ है क्या? 19 अप्रैल को थाना प्रभारी राजपुर राजेश यादव को सूचना मिली कि ग्राम दानौद में सुरेश बिलाला अपने घर में मृत अवस्था पड़ा है और संदिग्ध हालत में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने अपनी टीम दल बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और उसकी पत्नी से पूछताछ किया तो उसकी पत्नी ने बताया कि मैं तो कल मजदूरी गई थी, कोई बाहर का व्यक्ति उसका कत्ल करके चला गया है। इस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला को अवगत कराया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल टीम गठित की और टीम के द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से उसकी पत्नी से पूछताछ करने पर और ताजा लिपा हुआ था संदेह होने पर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो मात्र 4 घंटे में अंधकत्ल का पर्दाफाश हुआ है। उसमें मृतक की पत्नी धनीबाई वो मृतक शराब पीकर रोज मारपीट करता था, वो प्रताड़ित करता था, बच्चों को घर में रहने देता था। इस वजह से मृतक आरोपिया धनीबाई ने धराते से मारपीट करके उसके पति सुरेश की हत्या करना पाया गया। अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया, अनुसंधान जारी है और अच्छा काम करने के लिए इस सराहनीय कार्य के लिए सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय से अधिक राशि का इनाम घोषित करने और दिलाने हेतु अनुशंसा की जाएगी। सर टीम गठित की थी, कौन कौन शामिल थे टीम में? श्री राजेश यादव है और उसका स्टाफ था। सर ग्रामीणों में आए दिन ऐसी घटना होती रहती है मौत की, सर किसी जन जागरण के लिए कोई प्रयास किया जाए? चल रहा है नशा मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा हमारा और घर घर जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर मुख्य बिंदु क्या रहा उसकी उसकी पत्नी के ऊपर शंका? मुख्य बिंदु ये रहा कि वो पहले तो बताया कि मैं तो कल मजदूरी गई थी, कोई बाहर का व्यक्ति मार के फेंक दिया है, लेकिन जब ताजा लिपा हुआ और दिखा वो शक की सुई उसी पे गई है पुलिस को और उसको हिकमत अमली से और वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो वो 2-4 घंटे में टूट गई और उसने सही स्थिति बताई।